सो हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज हिमांशु हियर बैक ऑन अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो गाइस। सो गाइस, कैसे हो सब लोग? सो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट HTURL ब्लॉगर URL शॉर्टनर स्क्रिप्ट। मतलब ब्लॉगर URL शॉर्टनर, आप ब्लॉगर पे कैसे URL शॉर्टनर बना सकते हो एंड उसे कैसे, मतलब आप प्रो तरीके से, लाइक हम जो WP सेपलिंग यूज करते हैं WordPress में, उसी जैसा बिल्कुल सेम टू सेम वही हिडन URL शॉर्टनर, वही सब कुछ, वही ऑटो जनरेट लिंक ब्लॉगर में कैसे कर सकते हो फ्री होस्टिंग में। और ब्लॉगर मतलब वर्डप्रेस से ये ब्लॉगर मतलब 10x ज़्यादा सेव होता है। ओके, मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा, मतलब 10 गुना सेव होता है ब्लॉगर। ओके, तो आप कैसे ब्लॉगर में सेवलिंग वेबसाइट बना सकते हो एंड कैसे आप उसको यूज कर सकते हो, फुल डिटेल, फुल इंस्टॉलेशन वीडियो बताने वाला हूँ इस वीडियो। तो चलो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं एंड बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लेट्स गेट स्ट्रेट टू दिस वीडियो। दिस वीडियो इज पावर्ड बाय hypestore.com, एक डिजिटल सर्विस साइट है। आप यहाँ पे एडसेंस, WP सेवलिंग एंड डोमेन्स एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें, डिजिटल सर्विस बाय कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, मेक श्योर चेक करें, ये बहुत ही ट्रस्टेड साइट है। आप यहाँ पे कुछ भी खरीद सकते हैं बहुत ही ईजीली। सो गाइस, जैसे कि देख सकते हो मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ। तो हम लोग के ये वेबसाइट बनाना है, ये देख सकते हो HTURL, ये मेरा ब्लॉगर का URL शॉर्टनर वेबसाइट है। हम जैसे वर्डप्रेस पे बनाते हैं WP सेव लिंक और उसके थ्रू मतलब लिंक डायरेक्ट करते हैं, ये ब्लॉगर पे है कम्प्लीटली। एंड यहाँ पे देख सकते हो, आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे एक URL शॉर्टनर है। देख सकते हो यहाँ पे पूरा नॉर्मल मतलब ब्लॉग ही है। यहाँ पे कोई भी पोस्ट को क्लिक करो, पोस्ट खुलता है, देख सकते हो पोस्ट खुलता है। ये एडवर्ट, ये सब आप हटा भी सकते हो, टेंशन नॉट। यहाँ पे देख सकते हो पोस्ट खुल रहा है, बिल्कुल ओल्डर पोस्ट, न्यू पोस्ट, बिल्कुल सिंपल ब्लॉक ही है। एंड एक और पोस्ट भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखो, देख ही सकते हो आप लोग। यहाँ पे मैं एक वीडियो दे दिया हूँ बिकॉज मुझे व्यू चाहिए था तो खैर वो बात अलग है। देख सकते हो यहाँ पे ये आ रहा है, पोस्ट आ रहा है, बिल्कुल नॉर्मल पोस्ट। यहाँ पे हाउ टू राइट SEO फ्रेंडली, इसको भी क्लिक कर देखिए, दिखा देता हूँ आपको। एंड ये खुल गया, देखिए ऐड आ रहा है, देख सकते हो आप, ऐसे ऐड आ रहा है। एंड पोस्ट बिल्कुल नॉर्मल पोस्ट, जैसे नॉर्मल वेबसाइट होता है वैसा ही है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इसका मतलब मेन्यू भी काम दे रहा है, बिल्कुल सब बिल्कुल सेम टू सेम, कोई ऊपर से कोई पहचान भी नहीं सकता, मतलब खुद एडसेंस भी नहीं पहचान सकता कि ये एक URL शॉर्टनर वेबसाइट है। बट आप अगर URL शॉर्टनर, यहाँ पे मैं ब्लॉगर पे जाऊँ और यहाँ पे HTURL लिखा हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ गाइस, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक पेज आ रहा है, यहाँ पे लिंक शॉर्ट करने को बोल रहा है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही कोई लिंक शॉर्ट करता हूँ, मान लो मैं google.com ऐसे शॉर्ट करता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे एक शॉर्ट लिंक मिलता है मुझे, जैसे कि हमको वो वर्डप्रेस पे सेव लिंक के साथ मिलता है। तो यहाँ पे मैं ये लिंक ओपन करता हूँ नेक्स्ट पेज में, आप देख सकते हो एक URL शॉर्टनर साइट है। यहाँ पे ये शॉर्ट हो रहा है, एड पता नहीं एड क्यों नहीं आ रहा, और एक लिंक शॉर्ट करते हैं। यहाँ पे आप अगर 2-3 बार मतलब और एक बार सबमिट करोगे तो और एक पोस्ट पे आता है। तो यहाँ पे गो पे क्लिक करता हूँ, यूजुअली सभी पे ऐड आता है, देख सकते हो कैसे ऐड आ रहा है। ऐड यहाँ पे टाइमर चल रहा है, मैंने सर्किट दिया है, ये राउंड भी होता है आप जैसा बोलोगे। यहाँ पे परसेंटेज भी दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बस थीम में थोड़ा चेंज करना पड़ता है। ओके, तो ये देख सकते हो कैसे लोड हो रहा है। एंड यहाँ पे गेट, देखिए यहाँ पे गायब हो गया, यहाँ पे निकला, जिससे कि यूज़र इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो मैं इसको अगर छोटा करूँ तो आप देख सकते हो, ये बस मोबाइल व्यू में देख लेते हैं, तो मोबाइल व्यू में देख सकते हो ये बहुत मस्त दिखता है। यहाँ पे कोई भी गेट लिंक पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे इसको ऐड ही दिखेगा। थोड़ा ऊपर जाएगा तो यहाँ पे प्लीज वेट का ऑप्शन आ रहा है, गो टू लिंक आ रहा है। जैसे ही गो टू लिंक क्लिक करेंगे गूगल खुल जाए। ऐसे ही कोई भी लिंक को शॉर्ट कर सकते हो एंड बिल्कुल नॉर्मल शॉर्टनर, कोई किसी को पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको जस्ट कॉपी URL पे क्लिक करना है, देन कहीं पे भी पेस्ट कर देना है ऐसे, एंड पेस्ट कर दोगे, ऐसे ही पेस्ट करोगे ये खुलेगा डेटा बैग ये। और मेरी एक बात मान लो, ये मतलब वर्डप्रेस URL शॉर्टनर से ये 10 गुना ज़्यादा सेफ है। मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ये साइड HTURL.xyz ये 1 साल से चल रहा है, कोई इशू नहीं आया अभी तक एडसेंस में। एंड इसका शेप रहता है बहुत ही सही, बिकॉज इसमें JS यूज नहीं होता, पर JS ऑन पेज ऑन वेबसाइट में नहीं होता, ये अलग मतलब अलग से क्राउड करके लाता है JS फाइल को, तो इसीलिए इसमें कोई इशू नहीं आता। तो देख सकते हो इसको मैं राइट साइड में रखता हूँ। तो ऐसा वेबसाइट कैसे बना सकते हैं? तो इस पहले तो इसका स्क्रिप्ट चाहिए हमको। स्क्रिप्ट आप HypeStore से खरीद सकते हो। यहाँ पे हम HypeStore खोल लेते हैं, लेकिन कौन गेट मोड पे, यहाँ पे HypeStore.com यहाँ पे खोल देते हैं। एंड आपको क्या करना है, आपको HypeStore में ऐसे जाना है, यहाँ पे नीचे आपको URL शॉर्टनर वेबसाइट दिखेगा, URL शॉर्टनर HTURL की स्क्रिप्ट होगी, यहीं कहीं पे होगी, ये देखिए देख सकते हो यहाँ पे 600 का है। तो यहाँ पे इसको बाय कर देना है आपको,
एंड आपको इस जैसे इसे बाय करोगे आपको एक मतलब जिप फाइल मिलेगा, 1 घंटे के अंदर आप बाय करोगे, पेमेंट प्रोसेस करोगे, उसके बाद 1 घंटे के अंदर अंदर आपको फाइल का लिंक मिल जाएगा जिप फाइल का। तो जिप फाइल का लिंक मतलब जिप फाइल कुछ ऐसा होगा, ये देख सकते हैं एचटीआर प्रीमियर कॉर्पोरेशन। तो आप उसको एक्सट्रैक्ट कर देना ऐसे, ये देख सकते हो एक्सट्रैक्ट। तो आपको यहाँ पे 3 फाइल मिलेंगे, तो आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस बिल्कुल एक फाइल में मिल जाएगा कि कैसा करना है। तो खैर मैं आपको बता देता हूँ, तो हमको 2 मिलेंगे, एक एक्सएमएल फाइल जो थीम है और एक जनरेट पेज का। तो हमको क्या करना है, सीधे ब्लॉगर पे आना है, ब्लॉगर खोलना है। तो हम एक ब्लॉग बना लेते हैं सिंपल सा, blogger.com ऐसे ओपन कर देना है थोड़ा थोड़ा, और यहाँ पे एक न्यू ब्लॉग बनाते हैं। बहुत सारे ब्लॉग हो गए हैं मेरे, तो हम क्या लिखते हैं, न्यू शॉर्ट लिख देते हैं, शॉर्ट XT, और यहाँ पे वही चीज़ को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे अपना एडसेंस का डोमेन ऐड कर देना ब्लॉगर में, या फिर ब्लॉगस्पॉट डोमेन पे है आपका तो वहाँ पे वो भी यूज कर सकते हैं आप लोग। NXT ये देख सकते हैं, ये अवेलेबल होगा, मैं भी अवेलेबल हो गया। एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल पे चूज करना है, ये सिंपल इसको चूज करना है, देन क्रिएट ब्लॉक पे क्लिक करना है। ओके जैसे क्लिक क्रिएट ब्लॉक पे करो, क्रिएट ब्लॉक एक एक ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा, तो आपको नो थैंक्स करना है, डोमेन नहीं चाहिए हमको। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जो थीम है ना उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। उससे पहले देख लेते हैं ये ब्लॉक कैसा है, अपन इनकम्यूटो देख सकते हो, ये ब्लॉक मतलब सिंपल ही होगा, बिल्कुल सिंपल जो जैसा रहता है ब्लॉक। तो इसको क्लोज करते हैं। तो हमको क्या करना है, देन आना है फाइल पे, उस फाइल पर HTML प्रीमियर शॉर्ट में इसको पूरा सिलेक्ट ए करके कॉपी कर देना है, पूरा पूरा कॉपी कर देना है इसको ऐसे। एंड यहाँ पे हमको ब्लॉगर पे आना है, एंड यहाँ पे थीम सेक्शन में आना है, यहाँ पे थीम होगा, देन यहाँ आपको हमको एडिट HTML पे क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ पे एक चेंजेस कर देना, यहाँ पे शो ऑन डेस्कटॉप मोबाइल थीम, ओके ये इसको सेव कर देना। एंड देन यहाँ पे एडिट HTML पे आना है, देन हमको इसको भी सिलेक्ट ऑल करके उसको जो है इसके रिप्लेस कर देना है, पेस्ट कर देना है। तो बिल्कुल रिप्लेस हो जाएगा ऐसे, देख सकते हो रिप्लेस हो गया। एंड देन यहाँ पे हमको जस्ट सेव थीम पे क्लिक कर देना है ऐसे, सेव थीम पे 2 बार क्लिक करना है, मेक श्योर बिकॉज एक बार में कभी कभी सेव नहीं होता, तो इसीलिए 2 बार। तो चलो अब देख लेते हैं कैसा हुआ, हो गया हमारा वेबसाइट, जहाँ पे फिर से इनकॉग्निटो पे खोल देते हैं। तो जैसे ही खोल देंगे ये देख सकते हो बिल्कुल HTML का वही स्क्रिप्ट आ गया है, यहाँ पे देख रहे हो ऑटोमेटिक ले रहा है, ये प्रीमियम शॉर्टनर है इसीलिए मतलब प्रीमियम स्क्रिप्ट है इसीलिए यहाँ पे देख सकते हो आपको ये कोई भी बैकलिंक्स नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मतलब वही चीज़ है। और ये यहाँ पे देख सकते हो मेन्यू बार भी आ गया है। तो अभी इसका एक पेज बनाते हैं, जनरेट पेज जो होता है। तो यहाँ पे पेज सेक्शन में आना है आपको, एंड न्यू पेज पे क्लिक करना है आपको, और एक पेज बनाना पड़ेगा आपको। तो मैं यहाँ पे जनरेट कर देता हूँ जी, जनरेट बोल के एक पेज बना देता हूँ। ओके तो आपको ऐसे जनरेट बोल के पेज बना देना है, देन अपने फाइल मैनेजर में आना है, यहाँ पे जनरेट कोड वाला पेज का ये सब HTML को आपको कॉपी कर देना है, Ctrl C, मतलब यहाँ पे मैं कंट्रोल करके कॉपी कर देता हूँ। एंड जाके यहाँ पे आपको जस्ट यहाँ पे आना है वो पेज वाले में, यहाँ पे HTML पे यहाँ पे उसको इसके साथ रिप्लेस कर देना है पूरा। ओके पूरा फुल रिप्लेस कर देना एंड जस्ट पब्लिश कर देना। ओके और पब्लिश करने के बाद आपको इसके व्यू करना है, व्यू पे क्लिक करना है, एंड इसके लिंक जो होगा इसको कॉपी कर देना है, देख सकते हैं। अभी हमको इसके साथ रिप्लेस करना पड़ेगा, ये HTML जो लिखा है ना इसके साथ रिप्लेस करना है, देख सकते हो। तो हमको क्या करना होगा, थीम में आना है, थीम सेक्शन में, एंड फिर से हमको जो है एडिट HTML पे आना है, ये कॉपी करना है इसको लिंक को, एंड एडिट HTML पे आना है। एंड यहाँ पे हमको कंट्रोल F दबा के जो सर्च करना है HTML सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करोगे यहाँ पे पेजेस का सबका लिंक आ जाएगा, तो हमको एक एक करके पेज बना के उसका मतलब उसके साथ रिप्लेस कर देना है। तो पहले हम जनरेट पेज को कर देते हैं ऐसे, जनरेट पेज ये रिप्लेस हो गया, देख सकते हो। ऐसे हमको सभी पेज का ये टैग का ये का ये सब का मतलब बना के जो है रिप्लेस कर देना है। सेव थीम पे क्लिक करते हैं और एक बार क्लिक चेक कर लेते हैं कि हुआ कि नहीं। एंड यहाँ पे एक नेम चेंज करना मैं भूल गया, तो यहाँ पे शॉर्ट लिख देते हैं हम। ओके शॉर्ट शॉर्ट लिख के सेव कर देते हैं। ओके तो आप ये सभी पेजेस कैसे लिंक हो, ये लिंक हो, ऐसे ऐसे पेज बना के ना आप रिप्लेस कर देना उसके साथ लिंक को।
अब खुद कर देना ये, मतलब बिल्कुल तो नहीं आता, मैं अभी एक ही बता देता हूँ, अभी ये कर देना, बहुत ही सिंपल है ये रिप्लेस करना। ओके, सभी का प्रोसेस सेम ही है। तो आपको यहाँ पे हम रिफ्रेश कर देते हैं, वहाँ के नीचे चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये देख सकते हो, अरे और कोई और खुल गया, तो यहाँ पे देख सकते हो शॉर्ट का दिखा रहा है, तो इस शॉर्ट पर क्लिक कर देना है, ऐसे देख सकते हो ये खुल गया। अब हमें कोई पोस्ट नहीं हुआ है इस पर, तो हमको एक पोस्ट लिखना होगा पहले, तो कोई भी पोस्ट लिख देते हैं, चलो कहीं से कॉपी कर लेते हैं, स्टूडियो से ही कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं ये पोस्ट को कॉपी कर लेता हूँ, अभी ट्रायल के लिए कॉपी कर रहा हूँ, आप कॉपी मत करना कहीं पे, खुद लिखना। तो यहाँ पे ये पोस्ट टाइटल दे देता हूँ, एंड एक सिंपल जो पोस्ट होता है वैसा टाइप का लिख देता हूँ। ओके, देन यहाँ पे ये रहा इतना सा कॉपी, एंड यहाँ पे जो है पेस्ट, मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो भी देना पड़ेगा, तो ये फ़ोटो को ले जाते हैं यहाँ पे, एंड जो है यहाँ पे डाल देते हैं। अरे यार बैगा जाता है, देन यहाँ पे इस पोस्ट को यहाँ पे फ़ोटो देना पड़ेगा यहाँ पे, तो हमको तो यहाँ पे मैं फ़ोटो पे आता हूँ, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पे, ये रहा उस फोटो आ गया, देख सकते हो फोटो आ गया, तो हमको इसको जस्ट पब्लिश कर देना है। आप टैग का यूज करना है लेवल में, ब्लॉगर का तो आपको मतलब पता ही होगा ब्लॉगर में कैसे पोस्ट लिखते हैं। ओके, तो हम आप देखते हैं कि कैसा हो गया है साइड हमारा, जो अभी जो यूआरएल शॉर्टन बनाया, देख सकते हो एक पोस्ट आ गया है यहाँ पे, यहाँ पे एड कोड ये सब होगा, आप उसको रिप्लेस कर देना एड कोड को, वो भी मैं बताता हूँ एक सेकेंड। तो यहाँ पे हमको जस्ट शॉर्ट पे आना, काम कर रहा है कि नहीं चेक कर लेते हैं एक बारी। तो यहाँ पे हमको शॉर्ट पे आना है, शॉर्ट एंड यहाँ पे google.com, देन शॉर्ट पे क्लिक कर देना है। ओके, फिर कॉपी यूआरएल, इसको एक इनकॉग्निटो पे खोलते हैं, यहीं पे खोल देते हैं, चलेगा। तो देख सकते हो यहाँ पे ये का आ रहा है राउंड का, और ये जो सर्किल आता है इसके लिए इसका थोड़ा, ये अभी मैंने थोड़ा अपडेट किया है, तो आपको मतलब ये वाला ही आएगा, तो ये वाला कुछ अपडेट थीम में अपडेट करना पड़ता है, वो अब मैं मैनुअली करता हूँ, आप खुद कर सकते हो, टेंशन नॉट। यहाँ पे गो टू लिंक आ रहा है, जैसे गो टू लिंक पे करेगा गूगल पे खुल जाएगा, देख सकते हो बहुत ही इजी है था बनाना। देन यहाँ पे हमको थोड़ा चेंजेस करना है अभी, किस में ये जो एड कोड लगे हुए हैं ना उसको रिप्लेस कर देना है। ओके, तो हमको जस्ट थीम पे आना है, जैसे थीम सेक्शन में, इसे थोड़ा सा लो स्लो होता है ब्लॉगर, तो यहाँ पे थीम सेक्शन में आता है, आना है। देन हमको क्या करना है, ये जो ये पब्लिशर आई डी है ना, इसको जस्ट ऐसे कॉपी कर देना है, अरे जस्ट कॉपी, ये रहा ऐसे कॉपी करना है। देन यहाँ पे हमको कंट्रोल ऐप पे ये पब्लिशर आईडी को सर्च कर देना है, ऐसे सर्च, जैसे ही एंटर मारोगे ये कहा गया, तो इसको हमको रिप्लेस कर, रिमूव कर देना है ऐड को, अपने अपने ऐड के साथ रिप्लेस कर देना है। देन नेक्स्ट आगे ये यहाँ पे एक ऐड कोड आएगा, इसको रिप्लेस कर देना है, ऐसे यहाँ पे फिर आएगा, इसको रिप्लेस कर देना है, ऐसे जितने भी ऐड कोड आएंगे ना ये पब्लिशर आईडी के, उस उनके साथ आपका खुद के ऐड कोड को आपको रिप्लेस कर देना होगा। ओके, जिससे कि आपका ऐड यहाँ पे दिखने लगेगा, ये देख सकते हो यहाँ पे ब्लैंक ऐड आ रहा है, तो यहाँ पे आपको खुद का ऐड को वहाँ पे लगाना पड़ेगा। ओके, देन बाकी सब ये टैग के डोमेन, वो जो जब भी पोस्ट करोगे तो जो लिंक होता है ना, यहाँ पे लिंक होता है थीम सेक्शन में, उसको आप रिप्लेस कर देना उसके साथ, बहुत ही ईजी है ब्लॉगर पे यूआरएल शॉर्टनर बनाना। एंड इसका ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट कैसे हम लगाते हैं, ऑटो स्क्रिप्ट, जब आप कोई मूवी वेबसाइट यूज करते हैं तो उस पर आप कैसे फुटर में एक छोटा सा कोड देके आप मतलब सभी लिंक को रिडायरेक्ट कर सकते हो, लिंक जनरेट ऑटोमेटिक कर सकते हो, वो एक वीडियो में सुहेल मैंने बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे भी आप देख सकते हो। एंड ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, एंड देख सकते हो कैसे इजी तरीके से हमने एक यूआरएल शॉर्टनर बना दिया ब्लॉगर पे, तो बहुत ही इजी है ब्लॉगर पे यूआरएल शॉर्टनर बनाना, एंड चेकआउट करना, एंड ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर। गाइस मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।